मेरे प्यारे अल्लाह फरमाती हैं, तुम मांगो तो सही, मैं देने की हद न कर दूं तो कहना। अल्लाह के जिक्र रूह तक में सुकून भर देता है। गम कोई भी हो, फिक्र कितनी भी क्यों ना हो, परेशानी जितनी भी बड़ी हो, दिल पे लगने वाली चोट कितनी ही गहरी क्यों ना हो, बस सिर्फ या अल्लाह ही कह दो तो सारी मुश्किलें हल हो जाती है। ये मत सोचो कि अल्लाह सुनता नहीं, उनसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। हर मुश्किल का हल सिर्फ अल्लाह की याद में है। अल्लाह उम्मीद नहीं यकीन है, इस बेसकून दुनिया में कुछ नहीं है जिसे हम सुकून हासिल करें। सिर्फ सजदा है जो हमें सुकून और बहुत सारा सुकून देता है। अल्लाह पे तवक्कल हर इंसान को नहीं होता, ये सिर्फ खास बंदों को अता किए जाते हैं और ये कोई एक बार में हासिल नहीं होता, ये हमें धीरे धीरे हासिल होता है। जब अल्लाह पाक हमें अपने करीब करना चाहते हैं ना, तब हमें दुनिया की दी हुई खुशियाँ भी परेशानी लगती है, क्योंकि तब हमारी रूह सिर्फ अल्लाह की इबादत मांगती है, सिर्फ उन्हें ही मांगती है, सिर्फ उन्हीं की मोहब्बत मांगती है। अगर तुम्हें जिंदगी की खुशी और गम बेमायने लगती है ना, तो समझ जाना कि अल्लाह पाक को इंतज़ार है तुम्हारे तौबा का। मेरे प्यारे अल्लाह इंसान की इबादत के मोहताज नहीं है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, पर वे इतने रहीम हैं कि हमें बुलाते हैं हमारे लिए ही। खुशनसीबी तलाश करनी है ना, दुनिया में मत तलाश करो। पैसे, दौलत, रिश्ते, नाते, हमें ये सब चीज़ें खुशनसीबी नहीं देते। खुशनसीबी तो वो है जब हमें अल्लाह चाहने लगी, हमें सुन्नतों पे चलने लगी, जब अजान की आवाज़ कान में पड़ते ही नमाज के लिए दौड़ जाए। असल खुशनसीबी तो वो है, अल्लाह से बढ़कर इंसान को चाहने वाला और कोई नहीं।